हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ए पचन्ते। वो पापी पाप का, उसको व्यक्ति भी नहीं, उसको पापी का, पापी पाप का भोग करता है जो बिना यज्ञ के भोजन करता है। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए यह लोक भी कल्याण कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दी। दूसरे अध्याय में श्रीमद भगवद गीता में कहने के साथ साथ मनुस्मृति में कहा महर्षि मनु जी ने, जो यज्ञ नहीं करता है, जो हवन नहीं करता है, जो अग्निहोत्र नहीं करता है, वह व्यक्ति इस जीवन को जीते हुए भी मुर्दे के समान है। वो श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है, उसके जीवन में कोई सार तक नहीं। ऐसे कठोर शब्द में और आचार्य चाणक्य नीति में भी कहे कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जो व्यक्ति जिस घर में यजन, हवन, अग्निहोत्र नहीं होता है, वह घर श्मशान के तुल्य होते, वह घर त्याज्य होते। ऐसे कठोर शब्दों में, एक इतना कठोर शब्दों में हमारे ऋषियों को हमें क्यों कहना पड़ा? क्योंकि यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, बहुत छोटा है, बहुत सरल है, लेकिन ये एक ऐसा विशेष कर्म है जिस कर्म को करने पर हमारे इस पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम होने के साथ साथ इस प्रकृति का पोषण, संवर्धन, देवी शक्तियों की उपासना, ईश्वर की आराधना से लेकर के मनोकामना की पूर्ति से लेकर के अनेक अनेक प्रकार के लाभ हमें प्रदान करने वाला होता है। इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसकी अनंत अनंत महिमा हमारे सामने हमारे ऋषियों ने हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष करके बताया। आइए अब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को प्रारंभ करते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी के विषय में आपको बताया था। अब जब हमें यज्ञ प्रारंभ करना है, चालू करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले ब्रह्मांजलि में या ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को रखते हुए सीधा बैठ करके मंगलाचरण करते हैं। परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आइए हम सब लोग अपने घर को देवालय, शिवालय बनाते हुए हम यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हुए, मंगलाचरण करते हुए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए सभी लोग अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घर में जहां पर भी आप बैठे हैं, सीधे बैठ करके लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओ इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए यह मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया आचमन और अंग स्पर्श करेंगे। अब अपने दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल लेंगे। आचमन पात्र से जल राइट हैंड में लेकर के मंत्रोच्चारण के पश्चात
इस जल को हथेली को नाली नुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगाते हुए इस जल का पान करेंगे। इस प्रकार तीन मंत्रों से तीन बार करेंगे। इसको कहते हैं आचमन की प्रक्रिया। ओम अमृतोपस्तरणमसी स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसी स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रयतां स्वाहा। ये तीन बार आचमन करने के पश्चात हाथ को धो लेंगे। जो छोटी सी प्लेट है उसमें अवशिष्ट जल को डाल देंगे, हाथ धो लेंगे। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। लेफ्ट हैंड में जल लेकर के दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस इंद्रियों की पवित्रता और शुद्धिकरण की और शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह आचमन और अंग स्पर्श की प्रक्रिया, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया संपन्न हुई। अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक वेद के आठ मंत्रों का, जिसमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की गई है, ऐसे वेद के आठ मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करते हुए अपने घर को, अपने वायुमंडल को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को देवत्व से, दिव्यता से युक्त करते हुए अपने घर के अंदर हम बैठ करके हम सब वेद पाठ करेंगे। वेद के आठ मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाविधेमा। ओम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेमा। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः
तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयो रईणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त ॐ नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने के पश्चात अब आइए हमने जो दीपक तैयार किया है अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे तीन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवस्वः। जो व्यक्ति दीप प्रज्वलित कर रहे हैं वो पूरी तरह से उसके ऊपर केंद्रित हो और बाकी सभी लोग अग्नि देवता का आह्वान करते हुए हाथ जोड़ते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। तीन महाव्याहृतियों के साथ दीप प्रज्वलन करने के पश्चात श्रु के अग्रभाग में कपूर की टिकिया जो लंबी डंडी वाला चम्मच है उसके अग्र भाग में कपूर को ऐसे रख करके दीपक के माध्यम से कपूर को अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के उच्चारण के पश्चात वेदी के मध्य में यज्ञाग्नि को हम स्थापित करेंगे, अग्नाधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवेव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में प्रदीप्त कपूर को स्थापित कर देंगे और अब दीपक को दिए को ईशान कोण में रख देंगे। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको उत्तर दिशा कहते हैं। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान जो हमने अग्नि का स्थापन किया उस अग्नि को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए उसके ऊपर छोटी छोटी संविधा लगानी, गाय का घी देना या कपूर लगाना जो आवश्यक पड़े वो क्रियाएं अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम करेंगे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। अब हमने जो आठ आठ अंगुल की तीन संविधाओं को गाय के घी से भिगा करके रखी थी उन संविधाओं को दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लेंगे और अब मंत्रोच्चारण के पश्चात इस संविधा को जब हम स्वाहा बोलेंगे तब इसकी आहुति करेंगे और चयन करेंगे
ऐसे ही संविधान ही डालनी है। आप मेरे कुंड के अंदर आप देखेंगे क्लोजली, जैसे मैं लगाता हूं ऐसे ऐसे आप लगाते जाएंगे, संविधान दोनों हाथों से ले लेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते ने स्वर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय सोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार मैं संविधाओं का चयन कर रहा हूं ऐसे ही आप करेंगे। चारों ओर से खुला रहे, हवा लगे, दो आड़ी फिर दो खड़ी एक बीच में हमने लगाई है, इसी प्रकार से आप भी लगाएंगे। ओम संविधाग्निम। अब जो हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उसमें चार मंत्रों से हम तीन संविधाएं देते, पहले एक मंत्र से एक, फिर दो मंत्र से एक, अब ये तीसरे मंत्र से एक, चौथे मंत्र से एक। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह संविधाओं का आधान कर दिया, संविधाओं का हमने चयन कर दिया। अब इस अग्नि को और विशेष प्रदीप्त करने के लिए और यह यज्ञ पंचभूतात्मक इस देह से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाली सबसे बड़ी विधा और विद्या है, तो उसके प्रतीक रूप हम पांच घी की आहुति प्रदान करेंगे एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंच घृताहुति प्रदान करने पर्यंत में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है।
इसके पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे, कलश को अपने पास रख लेंगे और अब दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में जल लेकर के सबसे पहला मंत्र का उच्चारण करके वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यास्व। दूसरी बार जल लेंगे, अब वेदी के पश्चिम दिशा में जल सिंचन करेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम अनुमतेनुमन्यास्व। तीसरी बार जल लेंगे, अब वेदी के उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनुमन्यास्व। अब चौथे मंत्र के माध्यम से वेदी के पूर्व दिशा के ईशान कोण से जहां हमने दीपक रखा है वहां से प्रारंभ कर परिक्रमा क्रम से दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा से होते हुए फिर से पूर्व दिशा पर्यंत इस प्रकार से जल सिंचन करेंगे चौथे मंत्र के उच्चारण के पश्चात। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्मिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्मिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा। जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है, मेरे दो ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था एक बार। हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, दो ब्लॉकेज थे और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ एक दिन दो दिन के लिए और तीन दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से मेरी वाइफ के कहने पर मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर मैं बहुत दवा किया कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना यज्ञ में आता हूँ बैठता हूँ एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।